दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 60-70 के दशक के सुपरस्टार कहे जाने वाले राकेश रोशन का घर, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, जो कि ऋतिक रोशन सर के पापा है। जी हाँ दोस्तों, इनके घर का एड्रेस, इनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर कहे जाने वाले राकेश रोशन का घर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो कि ऋतिक रोशन के जो फादर है यानी कि पापा, तो वही है राकेश रोशन। तो दोस्तों अक्सर हमने उनको काफ़ी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत सारी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है दोस्तों, लेकिन हमने उनका घर नहीं देखा। यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको उनके घर का व्लॉग बनाकर दिखाने वाला हूं। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी उनके घर का व्लॉग नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उनका घर का वीडियो देखोगे। दोस्तों उनका घर कहां पर है, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, आज की वीडियो में मैं ये सब आपको बताने वाला हूं, तो उनके घर का प्रॉपर एड्रेस भी बताऊँगा, तो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको राकेश रोशन की बिल्डिंग के पास। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं राकेश रोशन की बिल्डिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, जो आप सामने बिल्डिंग का गेट देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कहे जाने वाले राकेश रोशन। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको इनकी बिल्डिंग का प्रॉपर नाम दिखा देता हूँ। इनकी जो बिल्डिंग का नाम है वो है प्लाजो 53। दोस्तों लगभग 10 से 12 माले की ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे की साइड में आप देख सकते हो काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और ऊपर की साइड में जैसे मैं आपको साइड में कैमरा करके दिखा देता हूँ, काफ़ी सारी ग्रीनरी यहाँ पर लगाई गई है और गमले भी लगे हुए हैं। और इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर कहे जाने वाले राकेश रोशन। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको इनकी बायोग्राफी और इनकी बिल्डिंग का बैकग्राउंड व्यू भी मैं आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों की बिल्डिंग के जो है दो गेट है, एक गेट इधर की साइड से आप देख सकते हो और सेकेंड एंट्री गेट आप इधर से देख सकते हो, और जस्ट गेट के बाजू में ही जो गेट के पास में आप इनका कैबिन बना हुआ देख सकते हो, जहाँ पर कुछ गार्ड्स बैठे रहते हैं, आप कुछ भी कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये इनकी बिल्डिंग का बैकग्राउंड का व्यू है साइड से, मैंने उधर की साइड से वीडियो बना रहा था, अभी इधर की साइड से दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर छत पर टेरिस पे भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे और फूल वाली लगाई हुई है, जिससे इनका टेरिस की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हर फ्लोर पर काफ़ी ग्रीनरी लगाई गई है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा दे सकता हूँ, बेल लगाई हुई है जैसे कि लटकती हुई आप देख सकते हो, और इनके और बहुत ही अच्छे से पास से जाकर मैंने आपको इनके घर का नाम वगैरह दिखा दिया है। तो अभी मैं आपको इनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताऊंगा और सब कुछ अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये है इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट और इनकी बिल्डिंग का सेकेंड एंट्री गेट आप उधर की साइड से देख सकते हो, और इनकी बिल्डिंग के अंदर का व्यू आप देख सकते हो, कितनी प्यारी मस्त मर्सिडीज़ एक गाड़ी अंदर खड़ी है, जो कि शायद राकेश रोशन सर की हो सकती है, कन्फर्म मैं कह नहीं सकता। तो इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राकेश रोशन। दोस्तों महान सिंगर रोशन साहब के बेटे, जिनका नाम है राकेश रोशन, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर है। इनके पापा का नाम है रोशन लाल नागराथ और इनकी मम्मी का नाम है ईरा रोशन। राकेश साहब का जन्म 6 सितंबर 1949 में हुआ, जो कि इनके पापा खुद एक म्यूजिक आर्टिस्ट थे और मशहूर सिंगर होने की वजह से ये आसानी से बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ गए थे। और ये बात भी गौर करने लायक है कि जब राकेश रोशन जी का जन्म हुआ तो इनके पापा बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और प्रॉब्लम ये थी कि ये मुंबई के वर्सोवा इलाके के गैरेज में रहते थे, और उसके बाद धीरे धीरे इनके हालात सही हुए और राकेश रोशन जी को सतारा सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहां से ये पहुंचे नवरोस जी वादिया कॉलेज पुणे ग्रेजुएशन करने के लिए। वहां की पढ़ाई चल ही रही थी कि राकेश जी को तभी एक बहुत ही बड़ा शौक लगा और राकेश जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनके पापा रोशन जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। और ये बहुत बड़ा फैसला था इनके लिए कि इन्हें पढ़ाई छोड़ के मुंबई आना था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी इन पे थी, क्योंकि ये घर के बड़े बेटे थे और जो कि इनके भाई राजेश रोशन भी छोटे ही थे। तब राकेश रोशन जी ने सोचा महान डायरेक्टर हरनाम सिंह रावेल यानी कि H.S. रावेल के असिस्टेंट ही बन जाता हूँ, और असिस्टेंट डायरेक्टर तो ये बन गए,
और फोर्थ असिस्टेंट डायरेक्टर से ये बन गए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन नौजवान राकेश रोशन के दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये एक्टर बनेंगे और कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तो काम चल ही रहा था, तभी जुबली कुमार कहे जाने वाले एक्टर राजेंद्र कुमार ने राकेश रोशन से कहा कि तुम एक्टर बनना चाहते हो या डायरेक्टर, सही सही बताओ। तभी राकेश जी ने कहा, करना तो मैं एक्टिंग ही चाहता हूँ, लेकिन और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। और फिर राजेंद्र साहब की वजह से इन्हें फिल्म मिली घर घर की कहानी, और उसके बाद नंबर वन एक्टर हेमा मालिनी के साथ ये नजर आए फिल्म पराया धन में। पर एक्टिंग में बात बन नहीं रही थी और जिस तरह की ये ऊंचाई चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और तब राकेश रोशन को लगा कि सारे काम तो प्रोड्यूसर ही करता है, क्यों ना मैं प्रोड्यूसर ही बन जाऊं, खुद ही कहानी चुनूं और फिर बाद में एक्टिंग के रास्ते पर चलूं। और फिर ये प्रोड्यूसर बने और इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करी आपके दीवाने, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और उसके बाद एक और इनकी फिल्म आई कामचोर, लेकिन एज ए एक्टर इनकी कोई बात नहीं बन रही थी। लेकिन इनके साथ में जो एक्ट्रेस काम किया करती थी वो आगे बढ़ रही थी, जैसे कि फिल्म कामचोर में इनके साथ जया प्रदा थी, जो कि वो भी न्यू एक्ट्रेस ही थी और वो भी राकेश रोशन से दो कदम आगे निकल गई और राकेश रोशन वहीं के वहीं रह गए। और उसके बाद राकेश रोशन ने सोचा कि पूरा यूनिट तो बस डायरेक्टर ही संभालता है, और फिर इन्होंने डायरेक्टर बनने का सोचा और फिल्म डायरेक्ट की खुद गर्ज, जिसमें जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा मेन लीड रोल में थे। और राकेश रोशन जानते थे कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो इनके करियर के तीनों रास्ते बंद हो जाएंगे। एज ए एक्टर इनकी बात नहीं बनी और प्रोड्यूसिंग भी करके देख ली, जिसमें कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन इन्हें ये शक था कि इस फिल्म से इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और एक बार अपनी गाड़ी में अपनी बीवी बच्चों के साथ थे और उन्होंने अपनी वाइफ पिंकी से कहा कि अगर ये मूवी नहीं चली तो वक्त बहुत बुरा आ सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाल ही कर दिया और लोगों ने राकेश रोशन को एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहचान लिया था। और इसके बाद तो राकेश रोशन ने बहुत ही एक से एक बढ़कर फिल्में दी, जैसे कि खून भरी मांग, करण अर्जुन, काला बाजार, किशन कन्हैया, ऐसे बहुत सी मशहूर फिल्में डायरेक्ट की और एज ए डायरेक्टर राकेश रोशन ने सक्सेस हासिल कर ही ली। और इनकी फिल्मों के नाम हैं बुनियाद, आंखों आंखों में, मदहोश, गूंज, आक्रमण, धनवान, हकदार, हमारी बहू। और भी बहुत सी फिल्में हैं जैसे कि कोई मिल गया, क्रिश, क्रिश 2, इसी तरह की काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की है। और इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है क्राफ्ट प्रोडक्शन हाउस। और ये बात अगर गौर करें तो इनके फिल्मों के नाम ज़्यादातर के अक्षर से शुरू होते हैं, क्योंकि ये इन्हें अपना गुड लक समझते हैं, जैसे कि काबिल, क्रिश, करण अर्जुन, कोई मिल गया, किंग अंकल। और कुछ साल बाद इनके सामने एक चुनौती आई, इन्हें लॉन्च करना था अपने बेटे ऋतिक रोशन को, क्योंकि ये शक था कि ये खुद एज ए हीरो तो कुछ कर नहीं पाए और अगर इनकी बनाई हुई फिल्म कहो ना प्यार है नहीं चल पाई तो लोग यही बोलेंगे कि खुद तो करियर नहीं बना पाए और अपने बेटे का भी नहीं बना पा रहे थे। और इस फिल्म में बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, हर चीज़ दी गई और इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार दे दिया, जिनका नाम है ऋतिक रोशन। बात करें इनकी शादी की तो इन्होंने मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से शादी की और इनके भाई राकेश रोशन के जो भाई है राजेश रोशन, वो भी बहुत ही अच्छे मशहूर संगीतकार बने। और राकेश रोशन और पिंकी रोशन इनके दो बच्चे हैं, एक ऋतिक रोशन और एक बेटी सुनैना रोशन। और कुछ वक्त पहले ही इनके बेटे ऋतिक रोशन का इनकी वाइफ सुजैन रोशन से डिवोर्स हो गया। इस बात ने राकेश रोशन का दिल तोड़ दिया, जो कि मशहूर एक्टर
फिरोज खान की बेटी है। वैसे तो इन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन सन 2006 में ग्लोबल फिल्म अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जी साइन अवार्ड, इसी तरह के काफ़ी सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास बहुत अच्छा कार कलेक्शन है। मर्सिडीज, ऑडी, जेक्वार, मिनी कॉपर, रोल्स रॉयल्स। इनका टोटल नेटवर्थ है 300 करोड़ रुपए। राकेश रोशन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बारीकी से देखा है, एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हर चीज को इन्होंने देख लिया। और फिल्म इंडस्ट्री में राकेश रोशन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है राकेश रोशन का घर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ये इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट है, एग्जिट गेट इधर से, और पूरी बिल्डिंग का व्यू आप देख ही रहे हो। काफ़ी लग्जरी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। इसकी बिल्डिंग का नाम आप देख चुके हो, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है राकेश रोशन का घर। तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ सेलिब्रिटीज़ के, एक्टर, एक्ट्रेस, शूटिंग लोकेशन, घूमने की अच्छी अच्छी जगह, प्लेसेस को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार राकेश रोशन की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली है। अभी तक इस वीडियो को किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं दिखाया, तो फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर देख रहे हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप भी कभी यहाँ पर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ का जो एड्रेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है NS रोड नंबर 12। जैसे ही आप इधर की साइड से जाते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी आगे चलकर आपको प्रतीक्षा बंगलो मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि अमिताभ बच्चन का है। और इसी NS रोड नंबर 12 से अगर आप इधर की साइड जाते हो, तो दूसरे नंबर की जो बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, वही है राकेश रोशन की बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि YouTube पे पहली बार राकेश रोशन का घर को मैंने एक्सप्लोर किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।